अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करते होते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हमने जो मेथड यूज़ करना है वो है डिवीजन मेथड और फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1369, इसका हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी, आपने गौर से देखना है और समझ लेना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने डिवीजन बनानी है और इसके अंदर ये ना लिख देना है, ये लिख कर ऐसे डिवीजन बना लें। अब इसके बाद आपने सबसे पहले पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? पेयर। और आपको पता होगा पेयर कितनी चीज़ों का बनता है, जब दो चीज़ें हों तो हमारे पास एक पेयर होता है। आपने पेयर बनाने तो हैं लेकिन आप कैसे बनाएंगे? तो आपने जो पेयर बनाने हैं वो आपने याद रखना है, आपने हमेशा पेयर राइट साइड से शुरू करने हैं और लेफ़्ट साइड की तरफ बनाने हैं। ये इधर मैं लिख रहा हूँ, पेयर कैसे बनाना है, राइट से शुरू करके लेफ़्ट की जानेब आपने जाना है। अब ये हमारे पास नंबर है तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। तो अब इसमें डिजिट्स की पेयर बनेगी और तो कुछ चीज़ नहीं है हमारे पास। सबसे पहले राइट से आपने शुरू करना है और लेफ़्ट की तरफ जाना है, इधर से राइट टू लेफ़्ट ऐसे। इधर राइट में पहले नंबर पर है 9 और दूसरे नंबर पर है 6। ये 9 और 6 मिलकर एक पेयर बनाएंगे। तो इसके ऊपर ना आपने ऐसे एक छोटी सी लाइन भी लगानी है। जब एक पेयर बन जाए, एक पेयर बन गया है, दूसरा पेयर कौन सा बनेगा? ये 3 और 1 वाला एक पेयर ये बन जाएगा। तो इस तरह आपने पहले पहले पेयर बनानी है। इसके बाद क्या करेंगे दूसरे नंबर पे? अब हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इस पहले पेयर के बराबर हो या इससे छोटा हो। पहला पेयर इधर कौन सा है? वो है 13। तो आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 13 हो या फिर इससे छोटा हो, 13 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ज़रा इधर मैं साइड पे लिखता हूँ, हमारे पास जो 1 का स्क्वायर है इसका मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 1 होता है। 2 का स्क्वायर इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, ये होता है 4। 3 का स्क्वायर इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। बस यहीं तक काफ़ी अभी। अब आप देखो जो पहला पेयर है, अच्छा ये सिंपल डिवीजन नहीं है, ये हम स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे उस वाला मेथड है। तो इसमें हम जो पेयर बनाते हैं ना, तो हमने पेयर को डिवाइड करना होता है। ये नहीं है कि आप पहले से ना 1 को डिवाइड करो फिर 3 को, ये सिंपल डिवीजन नहीं है। तो पेयर हमने इसलिए बनाए हैं, हम पेयर को डिवाइड करेंगे। अब ये हमने इधर बनाया है, जब हम देखें तो 1 का स्क्वायर 13 से छोटा है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कुछ और नंबर मिल जाए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये जो 3 का स्क्वायर है ना, ये 13 से छोटा है और 13 के ज़्यादा करीब है, और जो 4 का स्क्वायर ये 13 से बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम लेंगे 3 का स्क्वायर। अब ये आपने ऐसे नहीं कर देना कि यहाँ 3 स्क्वायर लिख दो और इधर 9 लिख दो, ऐसे नहीं करना। अभी मैंने आपको बताया था 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3। 3 मल्टीप्लाई 3, तो आपने एक 3 यहाँ लिखना है और दूसरा 3 ऊपर यहाँ लिख लेना है। 3 मल्टीप्लाई 3 क्या बनेगा? 9। अब इसके बाद माइनस करेंगे, 13 में से 9 माइनस करें तो 4 आएगा। अब हम दूसरे नंबर पे इस पूरे पेयर को उतारेंगे। पेयर हमने इसलिए बनाए हैं कि डिवीज़न इस मेथड में हमने पूरा पेयर उतारना होता है। अब ये पेयर कौन सा है? 69 वाला। तो ये पूरा पेयर इधर नीचे आ जाएगा, 69। अब इसके बाद ये जो आपका डिवाइज़र था ये यहाँ पर आएगा, लेकिन आपने यहाँ गौर से देखना है, ये एक सिंगल डिजिट है, तो आपने जब इधर लिखना है तो आपने इसको डबल कर देना है। 3 का डबल क्या होता है? 3 का डबल होता है 6। तो यहाँ आएगा 6। क्या करना है आपने? इस 3 का डबल कर देना है और वो यहाँ लिखना है। अब इसके बाद हमने 6 के साथ यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि उसका जो आंसर है वो 469 है। जो डिजिट हम यहाँ पर लगाएंगे वो यहीं लगाएंगे और इसी डिजिट से हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। अगर हम यहाँ पे इधर 7 लगा लें तो ये बन जाएगा 67। जब हमने 7 यहाँ पर लगाया है तो वो 7 यहीं लगाएंगे ऊपर भी,
और अभी 67 को इसी 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिजिट हम ऊपर लिखेंगे ना तो उसी से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं कर देना कि आप 67 को इस पूरे 37 से मल्टीप्लाई कर दो, ना। जो डिजिट हम इसके साथ इधर लगाएंगे वो ऊपर लिखना है और इस पूरे नंबर को अब इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर लिखा है। 67 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ये आता है 469। 469 माइनस 469 करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसे समझो रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा। तो जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमने आंसर फाइंड कर लिया है। तो हमारा आंसर कौन सा आया है? वो है ऊपर वाला ये। तो आंसर है हमारा 37। जी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, किसका फाइंड करना था? 1369 का डिवीजन मेथड के थ्रू। तो ये मेथड होता है डिवीजन मेथड वाला, तो हमने फाइंड कर लिया है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में 13689 है, तो इसको सबसे पहले आपने डिवीजन ऐसे बना लेनी है और इसके अंदर ये लिख देना है 89। सबसे पहले क्या करना है, आपने पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनाएंगे? अभी आपको बताया था राइट टू लेफ्ट। राइट पे सबसे पहले है 9 और ये 8 मिलकर एक पेयर बनाएंगे। दूसरे नंबर पे 6 और 3 मिलकर एक पेयर बनाएंगे। अब ये देखो एंड वाला एक डिजिट बच गई है, इसके साथ और कुछ भी नहीं है। तो आपने जब एंड पे एक बच जाए ना तो आपने याद रखना है इसके ऊपर आपने ऐसे छोटी सी लाइन लगा लेनी है। अब ये एक बच गया तो इसका और पेयर नहीं बन सकता, तो आप ऐसे इसके ऊपर लगा लो छोटी सी लाइन, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था हम इसको पहले डिवाइड करेंगे। ये 1 है ना, शुरू शुरू में इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्केयर या तो 1 हो या इससे छोटा हो। अभी हमने किया था 1 का स्केयर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आएगा इधर। 1 के स्केयर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1। तो अब इसका एक 1 यहाँ पे हम लिखेंगे और दूसरा ऊपर। 1 मल्टीप्लाई 1 आता होता है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब रिमाइंडर ख़त्म हो जाएगा। अब हमने ये वाला पूरा पेयर उतारना है। अब ऐसे नहीं कर देना कि 3 को उतार दो यहाँ, ना, पूरा पेयर उतारना। इसलिए हम लाइन लगाते हैं और पेयर बनाते हैं कि हमने पूरा पेयर नीचे उतारना होता है। 36 आ जाएगा यहाँ, और मैंने आपको कहा था जब सिंगल मतलब जब हम ये पेयर आएगा तो यहाँ ये जो डिवाइडर है वो इधर भी आएगा, लेकिन ये अब सिंगल डिजिट है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम डबल कर देंगे। 1 का डबल क्या होता है? वो होता है 2। यहाँ हम लिखेंगे 2। अब हमने 2 के साथ कोई ऐसा डिजिट यहाँ पर लगाना है कि उसका आंसर या तो 36 आ जाए या फिर इससे छोटा होना चाहिए। तो अगर हम इसके साथ 2 लगाएं तो वो 44 बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा 36 से। तो यहाँ 1 लगा सकते हैं, इधर 1 लगाएंगे तो ये 1 ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। अब इस पूरे नंबर को इसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर लिखा है। 21 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 21 आएगा, 36 में से 21 माइनस करें तो ये आएगा 15, ठीक है। अब फिर हम ये वाला पेयर उतार कर लाएंगे, 89 वाला पूरा पेयर यहाँ आ जाएगा इसके साथ 89। और मैंने आपको कहा था जब ये पेयर नीचे आता होता है तो ये आपका डिवाइडर भी इधर आ जाएगा, इसके सामने ही आएगा। अच्छा, आपने गौर से देखना है, अभी यहाँ पर सिंगल डिजिट था 1, तो उसको हमने डबल किया था उसका 2 हो गया था। अब ये जो 21 है ना, ये हमने यहाँ लिखना है, देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो 21 में हमने डबल करना है, लेकिन किस को डबल करेंगे जी, आपने गौर से देखना है। तो जब आपके 2 डिजिट आ जाए ना तो आपने लास्ट वाले डिजिट को हमेशा डबल करना है। अब 21 में आखिरी डिजिट कौन सा है? वो है 1। तो 1 का डबल क्या होता है? 2 होता है, ये 2 तो वैसे आ जाएगा। अब लास्ट वाले डिजिट को आपने डबल करना है, 1 का डबल 2 होता है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। अगर सपोज़ यहाँ पर 21 की जगह कुछ और आ जाता, मतलब 3 डिजिट आ जाते, सपोज़ 313 आ जाता, तो आप लास्ट वाला डिजिट 3 है तो इसको हम 6 कर देते जब इधर लिखते। अगर कोई ऐसे आ जाता 4155, लास्ट डिजिट 5 है तो इसको हम 6 कर देते, ऐसे होता है। इधर 1 था तो इसको हमने डबल कर लिया। अब हमने इधर कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि उसका आंसर 1589 आ जाए। तो अगर हम जहाँ 7 लगा लें और जब 7 यहाँ लगाएंगे तो वही 7 आपने इधर ऊपर भी लगाना है, और अब इस पूरे नंबर को इसी 7 से मल्टीप्लाई करना है जो डिजिट हम ऊपर लिखते होते हैं। ऐसे नहीं कर देना कि इस 227 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ना, ऐसे नहीं करना। जो हम नंबर यहाँ लिखेंगे और वही ऊपर लिखेंगे और फिर इस पूरे नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1589, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0।
इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट क्या आया है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 117 हमारा आंसर है। तो ये होता है डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने का। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ दो क्वेश्चन और भी करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।